तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए भाजपा की बदायूं की सांसद संगमित्रा मौर्य आज सुबह बरेली पहुंची। वह यहां भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष और बदायूं से प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य के रोड शो में शामिल हुईं। बरेली से बदायूं तक हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ श्री शाक्य बदायूं पहुंचे। बदायूं में हर जगह उनका जोरदार स्वागत हुआ। चर्चित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा मौर्य को 2019 के चुनाव में भाजपा ने बदायूं से चुनाव लड़ाया था, जिसमें उन्होंने सपा के सांसद रहे धर्मेंद्र यादव को हराया था। लेकिन बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधानसभा का चुनाव आते आते अपनी राहें भाजपा से जुदा कर ली। वह समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। तभी से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा संगमित्रा का टिकट काट सकती है। तमाम उम्मीदवारों के कयासों के बीच भाजपा ने अपने युवा चेहरे और क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य पर दाव लगाया। दुर्विजय सिंह को बदायूं से चुनाव मैदान में उतारा गया है। उनका मुकाबला सपा के वरिष्ठतम नेता शिवपाल सिंह यादव से होगा। मुकाबला कड़ा है। इस बीच यह माना जा रहा था कि संगमित्रा टिकट नहीं मिलने की वजह से बगावत कर सकती हैं। आज संगमित्रा ने इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया। वह सुबह सुबह बरेली स्थित श्री शाक्य के निवास पर पहुंची। श्री शाक्य का स्वागत जुलूस तैयार हो रहा था। उन्होंने कॉलोनी के गेट पर भी दुर्विजय सिंह शाक्य को फूलों का बुके दिया और फिर उनके साथ ही एक ही गाड़ी से बदायूं के लिए रवाना हो गई। एक ही गाड़ी में सवार सांसद और प्रत्याशी ने लोगों का अभिवादन किया। बरेली से बदायूं जाते वक्त हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता नेता अपनी अपनी गाड़ियों से इस काफिले के साथ चले। बदायूं में भी प्रत्याशी का भव्य स्वागत किया गया और भाजपा कार्यालय पर भी एक बड़ी जनसभा हुई।